Welcome to Histon Science Academy. In this tutorial, we'll be talking about refraction of light. So in the last tutorial, we have already seen reflection of light. पिछले वीडियो में हम reflection of light के बारे में देख चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं. आज के इस tutorial में हम लोग बात करेंगे कि refraction of light क्या होता है. So if you go through the simple definition of refraction of light, then it will be something like that. When the light passes from one transparent medium to another transparent medium, there is change in the direction of light. Simple se terms mein ye hai ki jab bhi light ek transparent medium se dusre transparent medium mein transfer hota hai ya pass hota hai, tab hum dekhte hain ki light ke path mein, light ke direction mein change aata hai, and this change in the direction of light is something which is referred as refraction of light. चलिए एक बार फिर से हम लोग वो example के point of view से इसको समझने की कोशिश करते हैं. So let's consider it as, इसको देखते हैं. So consider it as a big vessel, कि ये एक बड़ा vessel है और इस vessel में here is the water, यहाँ तक इस level तक water है. तो हम ये देखेंगे कि अगर आप इस लेवल पे देखें तो ये एक मीडियम है जो वाटर है, और यहाँ ये ऊपर जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ अनादर मीडियम, ये एयर है. तो जैसा कि डेफिनेशन हमने देखा है, डेफिनेशन सेज दैट व्हेन द लाइट ट्रांसफ़र और व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम इस केस में एयर है और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम इस केस में वाटर है. तो चलिए कंसीडर करते हैं कि अब नाउ देयर इज़ अ रे ऑफ लाइट. सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी द रे ऑफ लाइट. सो दिस रे ऑफ लाइट इज़ फॉलिंग ऑन वाटर. तो ये एक रे ऑफ लाइट है, एंड नाउ दिस रे ऑफ लाइट इज़ पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनादर मीडियम. अभी हम देखेंगे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, ये एक मीडियम से अब जा रहा है दूसरे मीडियम की तरफ. तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वगैरह क्या होता है. तो अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग सरफेस से परपेंडिकुलर एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ, और ये लाइन जो है मैं इसको कहता हूँ कि ये नॉर्मल है. हम इसके बारे में भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, और ये है हमारा इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे, तो ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे, जो सरफेस पे, जिस पॉइंट पे फॉल होता है, जिस पॉइंट पे गिरता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम कहते हैं नॉर्मल. नॉर्मल ड्रॉ करने के पर्पजेस हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे, और इस वीडियो में भी हम उससे रिलेटेड कुछ बात ज़रूर करेंगे. तो अब हो ये रहा है कि एयर के मीडियम से लाइट है जो अब वाटर में एंटर करने वाला है. तो मैं सिंपली ये कंसिडर करता हूँ कि जब एक रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रहा है, तो मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि जब ये लाइट वाटर के अंदर जाएगा, देन इट शुड ऑल्सो मूव इन द सेम डायरेक्शन. मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि लाइट ने अपना डायरेक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए, एंड इट शुड फॉल समवेयर एट दिस पॉइंट, और इस लाइट ने इस जगह पर आना चाहिए. बट प्रैक्टिकली जब मैं देखता हूँ तो लाइट इस पॉइंट पर नहीं पड़ता, बल्कि लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाता है. लाइट अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा डेविएट हो जाता है, एंड देन मैं देखता हूँ कि लाइट जहाँ मैं कंसिडर कर रहा था कि लाइट को इस पॉइंट पर गिरना चाहिए था, लाइट डेविएट होकर इस पॉइंट पर आता है. सो दिस इज़ द डेविएशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट. ये है जब लाइट एक मीडियम से, यानी एयर से, पास होता है वाटर के अंदर में. सो व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनादर ट्रांसपेरेंट मीडियम, देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो अब यहाँ पर ये जो चेंज है, ये डायरेक्शन में जो चेंज हुआ है, इतना जो लाइट यहाँ पर बेंड हुआ है, इसे मैं कहता हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. मैं ये सपोज कर रहा था कि लाइट ने इस पॉइंट पर आना चाहिए था, बट लाइट रे इस पॉइंट पर नहीं आया. जैसे ही उसने वाटर में एंटर किया, उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया. देयर इज चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट,
and the light ray has been deviated to a certain angle. आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के इतनी extent तक के light में bending हुआ है, light bend हुआ है. तो ये जो bending है, ये जो change in direction of light है, ये जो deviation है, इसी को हम कहते हैं कि ये refraction है. This is something called as refraction. So I'll be repeating once that when the light passes from one transparent medium like air to another transparent medium like water, there is change in the direction of light. So when the light passes from one transparent medium like air to another transparent medium like water, there is change in the direction of light, and this change in direction of light is referred as refraction. This change in direction of light is referred as refraction. So ये simply होता है refraction के बारे में. चलिए अब एक और example लेकर देखते हैं, consider करते हैं कि this is a glass slab. ये एक glass slab है. चलिए consider करते हैं कि ये 18 mm का एक glass slab है. 18 mm का एक glass slab है. अब मैं यहाँ पर देखता हूँ इस तरह से light यहाँ पर आ रहा है. So for me this point is going to be the normal. Consider कीजिए ये air है और ये glass है. अब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि light air से glass की तरफ आ रहा है, यानी once again the light is passing from one transparent medium to another transparent medium. Now the light is entering into the glass. Light air से आ रहा है और जैसे ही ये glass में enter करता है, light अपना direction bend कर देता है. There is bend in the direction of light, or there is change in the direction of light. There is change in the direction of light. अब मैं यहाँ देखता हूँ कि light glass slab के इस corner पे आ रहा है. अब चलिए यहाँ पर मैं फिर से एक बार इसको consider करता हूँ कि ये point of incidence है, क्योंकि अब ray इस point पे आ रहा है. मैं यहाँ पर फिर एक normal draw करता हूँ और अब दोबारा से जब मैं देखता हूँ तो light जब glass material से निकलता है तो light दोबारा से फिर एक दफ़ा से अपना direction change कर देता है. Light फिर एक दफ़ा से अपना direction change कर देता है और for the first time जहाँ मैं expect कर रहा था कि light इस तरह से जाएगा और जब वो glass slab से निकलेगा, so it will be leaving at this particular point, but मैं देखता हूँ कि light इस point से तो नहीं निकलता, लेकिन जिस point से निकल रहा है वो point थोड़ा एक दूसरे direction की तरफ shift हो गया है. तो ये जो complete phenomena है जिसमें light when it passes from one medium to another medium there is change in its direction. तो हम यहाँ पर देखते हैं, अगर इस केस में हम देखेंगे तो यहाँ दो बार दो दफ़ा light की direction में change हो रहा है. For the first time when the light is travelling and when the light is entering from air into the glass, there is bend in its direction. The direction of the light is changing. So यहाँ पर first time हम देखते हैं कि light का direction change हुआ है. तो जब light air से glass में आता है, when the light is entering from one transparent medium which is air into another transparent medium which is the glass, so there is change in the direction of light. At the same time दूसरी बार जब मैं यहाँ देखता हूँ कि light जो है जब ग्लास मटेरियल से निकलता है, लाइट जब ग्लास मटेरियल से निकलती है, तब मैं देखता हूँ कि लाइट ने एक और दफ़ा अपना डायरेक्शन चेंज किया है. तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन है, दिस इज़ कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंसेप्ट आई बिलीव के थोड़ा सा क्लियर होता है. एक बार फिर से मैं उसकी डेफिनेशन को रिपीट करता हूँ. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ नथिंग बट व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम one transparent medium to another transparent medium, there is change in the direction of light. So this change in the direction of light is referred as refraction of light. एक बार देखते हैं यहाँ पर, फिर से हम बात करते हैं air और water के medium की. अब इस level पर अगर मैं देखूँ तो आपको पता है that there is an angle between the normal and the incident ray, and this angle is referred as I, the angle of incidence. At the same time अगर हम देखें refraction के बाद में, रिफ्रैक्शन के बाद में देर इज एन एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे. द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे विच इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल आर, इट इज़ कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पर देखिए
जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो एंगल नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है, रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनता है, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो इस केस में ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो ये सिंपल से टर्म्स में है जिसको हम रिफ्रैक्शन का मैकेनिज्म कहते हैं। लास्ट वीडियो में जब हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे तब हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन का जो प्रोसीजर होता है वो कुछ रूल्स और लॉज को ओबे करता है। सो सेम इज़ द केस विथ रिफ्रैक्शन एज वेल। रिफ्रैक्शन जो है ये भी कुछ लॉज को फॉलो करता है, कुछ रूल्स को फॉलो करता है। इसमें से कुछ रूल्स सेम है जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों भी प्रोसेसेस में होते हैं। तो रूल नंबर वन ये है दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, विल बी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। ये हम पिछली दफ़ा भी देख चुके हैं और इस बार भी मैं आपको बताता हूँ कि कंसिडर कीजिए कि ये इंसिडेंट रे है, ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, यानी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो लाइट में डेविएशन हुआ है ये वो है। सो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और आप देख सकते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों भी नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में है। इसको हम ऑलरेडी रिफ्लेक्शन वाले वीडियो में डील कर चुके हैं, बट एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, और अगर आप देखें तो ये दोनों भी रेज जो है ये नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में है, और ये है रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ दैट इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे विल बी ऑन दी अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। इसके बाद में देखते हैं जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये बताता है कि इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल बी ऑन द सेम प्लेन, ऑल विल बी ऑन द सेम प्लेन। इसके बारे में भी हम लोग लास्ट ट्यूटोरियल में देख चुके हैं रिफ्लेक्शन वाले वीडियो में। एक बार फिर से इसके बारे में बात करते हैं कि इंसिडेंट रे, फॉर एग्जांपल इन दिस केस दिस इज़ द इंसिडेंट रे, दिस इज़ द नॉर्मल एंड दिस इज़ द रिफ्रैक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल विल बी इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन से कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट, नॉर्मल और जो रिफ्रैक्टेड रेज रहेंगी, इन सब का प्लेन कंसिडर कीजिए कि आपके स्क्रीन का प्लेन है। लेकिन अगर ऐसा कभी होता है कि लाइट आपके स्क्रीन के डायरेक्शन में आ रहा है, यानी इंसिडेंट रे आपके स्क्रीन के डायरेक्शन में है समथिंग लाइक दिस, लेकिन रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का डायरेक्शन, लाइट का प्लेन चेंज हो जाता है, यानी इट इज़ लाइक कि वो आपके स्क्रीन से बाहर की तरफ आने लगे, या फिर स्क्रीन से अपोजिट साइड में अगर जाने लगे, तब हम कहेंगे कि लाइट अपना प्लेन चेंज कर रहा है। लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही केसेस में ऐसा नहीं होता है। दोनों ही केसेस में इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों भी एक ही प्लेन में रहते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में, अब इस रूल को समझने के लिए एक चीज़ हम यहाँ पर फिर से देखते हैं। कंसिडर कीजिए, जैसा मैंने आपको बताया कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे, इट इज़ रेफर्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, इट इज़ रेफर्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये बताता है दैट द फ्रैक्शन ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ
incidence. 2. The sine value of or sine of angle of refraction. Angle of refraction is constant. Is constant. ये जो principle है, ये जो law है, ये बताता है कि अगर आप fraction निकालें, sine values का fraction निकालें, angle of incidence का जिसको हमने I से denote किया है और angle of refraction का जिसको हमने small r से denote किया है, तो in case अगर मैं sine I upon sine r, यानी ये fraction अगर मैं निकालता हूँ, तो ये fraction जो होगा, it is always going to be constant. It is always going to be constant. तो sine I upon sine r की जो value मुझे मिलेगी, वो constant रहेगी. लेकिन ये law यहाँ complete नहीं होता है. ये law complete होता है जब मैं एक statement और add करूँगा. मैं ये कहूँगा, the ratio of sine I upon sine r will be constant for a particular pair of medium. For a particular pair of medium. तो sin I upon sin R का जो value होता है, ये constant रहता है particular pair of medium के लिए. Particular pair of medium के लिए. एक दफ़ा फिर से मैं आपको example देता हूँ. Consider कीजिए कि ये air है, और यहाँ पर consider कीजिए कि ये आपका ये consider कीजिए कि ये आपका vessel है जिसके अंदर बहुत सारा पानी है. सो दिस इज द लेयर ऑफ वाटर. तो कंसिडर कीजिए कि ये बीम ऑफ लाइट, दिस इज़ द बीम ऑफ लाइट. ये बीम ऑफ लाइट यहाँ वाटर पे पड़ रहा है. ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. सो जब मैं ये इसे देखता हूँ, इस चीज़ को देखता हूँ, सो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल मैं देखता हूँ, इसे मैं कहता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस. एट द सेम टाइम जब मैं इस एंगल की बात करता हूँ, द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल. सो जब मैं रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल की बात करता हूँ, तो ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूँ. तो ये रूल मुझे ये कहता है कि अगर मैं इन दोनों का फ्रैक्शन निकालता हूँ, कंसिडर कीजिए सेकेंड मीडियम जो है ये वाटर है, और जो फर्स्ट मीडियम है ये एयर है, सेकंड मीडियम वाटर है. तो जब मैं एयर और वाटर के लिए जब लाइट एयर से वाटर में जाता है, तब अगर मैं साइन आई और साइन आर का फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो ये कांस्टेंट रहता है. कंसिडर कीजिए कि ये वैल्यू आती है एन. तो मैं ये कहूँगा कि साइन आई अपन साइन आर का जो कांस्टेंट वैल्यू निकल रहा है, एन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी फॉर ग्लास एंड वाटर. तो ग्लास एंड वाटर के लिए, या जब कभी भी लाइट एयर से निकलकर वाटर में जाएगा, तो ये साइन आई अपन साइन आर का वैल्यू, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन. एंड नाउ दिस कॉन्स्टेंट जिसको मैं एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टेंट है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसी कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेकिन अभी टर्म कम्प्लीट नहीं हुआ है. बात यह है कि लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, यानी फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम जिसमें लाइट ट्रैवल कर रहा है वो वाटर है. तो मैं ये कहता हूँ कि साइन आई अपॉन साइन आर विच इज़ कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है,
तो जिसको मैं कहता हूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो कंप्लीट टर्म ये होगा कि इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो जब कभी भी लाइट एयर से वाटर में जाएगा, एयर से वाटर की तरफ जाएगा, तो वैल्यू हमेशा रहेगी n, और n जो रहेगा उसको मैं कहता हूँ इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इट विल बी रेफर्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। सो ये है थर्ड रूल जो ये बताता है दैट रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट फॉर अ पर्टिक्यूलर पेयर ऑफ मीडियम। एक लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ सो दैट के बाद क्लियर हो जाए। अभी मैंने बताया कि लाइट एयर से वाटर में जा रहा है, एयर से वाटर में जा रहा है। कंसिडर कीजिए कि जब लाइट एयर से वाटर में जाता है तो उस समय साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होती है, जिसको मैंने एन कहा, कंसिडर कीजिए कि एन की वैल्यू 5 होती है। तो जब कभी भी लाइट एयर से ट्रैवल करके वाटर में जाएगा तो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशो निकलेगा इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 5, यानी इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये रहेगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल ऑलवेज बी 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल ऑलवेज बी 5। लेकिन ये वाइस वर्सा कभी नहीं होता। अगर लाइट वाटर से निकल के एयर में जा रहा है, उस समय साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट तो रहेगी लेकिन वो 5 नहीं रहेगी। कंसीडर कीजिए कि जब लाइट वाटर से निकल के एयर में जाता है तो ये वैल्यू कुछ और होगी, ये वैल्यू कंसीडर कीजिए कि 6 है। तो जब कभी भी लाइट वाटर से निकल के एयर में जाएगा तो ये वैल्यू हमेशा 6 रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी। एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, बात और क्लियर हो जाएगी। कंसीडर कीजिए कि लाइट एयर से निकल के ग्लास में जा रहा है, यानी फर्स्ट मीडियम एयर है, सेकंड मीडियम ग्लास है। तो इस समय साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू रहेगी, वो डिफरेंट रहेगी, वो ग्लास और एयर के कॉम्बिनेशन के लिए एक स्पेसिफिक वैल्यू रहेगी। कंसीडर कीजिए कि वो वैल्यू 10 है। तो लाइट एयर से निकल के ग्लास में जाएगा उस समय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू रहेगी, तो मैं कहूँगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल ऑलवेज बी 10, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विल ऑलवेज बी 10। सो दिस इज़ अबाउट the third law of refraction, जो ये बताता है that ratio of sin i upon sin r for a particular pair of medium is always constant। Hope कि आपको बात समझ में आई है। तो please don't forget to like, subscribe and share the video। Thank you।